यार मैं तो येलो देख के लेके आया था, बट उसने भाई आते ही ऐसा ब्रेकफास्ट मिल जाए ये तो मजेदार वाली बात हो गई। भाई ने गन पाउडर डाल दिया इस पर, ये इडली है और सांभर। अभी जस्ट साउथ इंडियन ही खा रहे थे और साउथ इंडियन ही यहाँ पे आके खा रहे हैं। भाई खाना हमने खा लिया है तो अब चाय रह रही थी, चाय पी रहे हैं विद कुकीज। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया। वेलकम टू गुजरात सूरत। भाई ये होटल बहुत ही प्यारा है, बढ़िया तरीके से अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए थे, थोड़ी देर सो लिया, अब थोड़ा ठीक सा लग रहा है तो अभी फिलहाल चलते हैं नीचे। एंड लुक एट दिस व्यू भाई, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, ये होगा कम से कम और कुछ अप्रोक्स 50-60 फुट बड़ा स्विमिंग पूल है। और ये हमारा कमरा था क्योंकि अपन को सीधा सोना है, तेजी नींद आ रही अभी भाई, मतलब नींद पूरी नहीं हो रही ना। ये अपना सारा लगेज रहा, जस्ट लुक एट द माफिया कार्रवाई भाई। ये है अपनी दो फुल ऑन ड्राइव व्हीकल जिस पे आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो या तो इस, मतलब पता नहीं मैं किस पे बैठूँगा, मेरे मोस्ट प्रोबेबली मैं इस पे बैठूँगा, बट भाई एक फ्रेम में अलग ही लग रही है भाई गाड़ी, अलग मज़ेदार। बाकी मैं पहली बार कैंपिंग करने वाला हूँ, देखते हैं किस टाइप से होती है, मैंने इससे पहले कभी कैंपिंग भी नहीं की, तो सारी चीज़ आज इस बार मेरे लिए बहुत, मतलब सारी चीज़ ऑलमोस्ट नई है, सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, चलाएंगे, वीडियो बनाएंगे। भाई चश्मे की बहुत ज़्यादा नीड पड़ रही थी, आँखें नहीं खुल रही यार इतनी सी धूप में भी, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल हम आए डिकैथलॉन में। यहाँ से क्या ले रहे हैं प्रिंस हम, यहाँ से रेनकोट नहीं लेके आए एक तो, मैं भी रेनकोट लेने गए हुए, रेनकोट लेना, हाँ और एक दो थोड़े और एसेंशियल्स वगैरह भी लेने। वो जनरेटर वाला क्या हुआ, इन्वर्टर आ गया, हाँ दिल्ली से मंगा था, मैंने नहीं की भाई फर्स्ट टाइम, पहली बार आई तभी तो मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम प्लस कैंपिंग करने के लिए। बस ये ना मैं यहाँ थोड़ा इम्पल्सिव बाय कर लेता हूँ, इम्पल्सिव हूँ मैं बहुत ज़्यादा बाय करने में चीज़ें, ट्रिप ट्रिप पे मेरे को काम आएगी, मैं वो ले लेता हूँ गलती से, मैं ट्राई करूँगा कि वो सारी चीज़ ना लूँ, मैं इम्पल्सिव बाय ना करूँ। तो भाई ठीक है, लोन से जो हमें लेना था वो तो हमने ले लिया है, अभी फिलहाल हम जा रहे हैं करोमा में। भाई करोमा से लेना क्या है आपको, करोलबाग नहीं जा रहे हैं, करोमा 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 करोलबाग नहीं, करोलबाग से तो करोलबाग से भी ले आते, लाइट ही तो लेनी है आपको भाई, अब पता नहीं कौन सी लाइट लेनी है, तो हम दोनों निकले हैं क्योंकि सारे एक साथ आएंगे ना, तो यहाँ अंदर लेनी, हमने प्रोजेक्टर भी लेना था, प्रोजेक्टर yes. फिर तो आपको भाई करोलबाग से ही लेना था तो भाई सारी जगह देखने के बाद हमें प्रोजेक्टर तो नहीं मिला, लेकिन हमें सफर पे यार मिल गया, यार मिल गया। तो भाई ये भी है भाई, ये भी है, मिलेंगे अभी ना, एक और यार मिलने वाले हैं। तो भाई हम फिलहाल निकल चुके हैं भाई, यार मेरे लिए तो वो कल से सरप्राइज है, मैं जा कर रहा हूँ, घर वाले पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, बस मुझे इतना पता है सूरत पहुंच रहे हैं, मेरे को एयरपोर्ट पे वहां से कोई ले लेगा या फिर मैं कैब करके चला जाऊंगा, उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा। जब हम सूरत आते हैं ना भाई को कॉल करते, उसके बाद हमारी सारी जिम्मेदारी अभिनव भाई की। भाई 3 बज गए यार, हम पहुंचेंगे कब, जाना है वो 2-2.5 घंटे और आगे बस। आपको पता है आज कैंप लगाना है, पता है भाई, तो कैंप लगाने में टाइम लगता है, तो मैं एक बॉडी बिल्डर साथ में लेके जा रहा हूँ, दूसरा मिस्टर राजा लेके जा रहा हूँ, हाँ। तो ये मिलके लगाएंगे, अरे इतने लोग भी तो है कैंप लगाने में टाइम थोड़ा लगेगा, बस अंधेरा ना हो जाए ना, मेन बात ये है। तो भाई यहाँ पे बीच में एक बार रुके हैं सबने, येलो थार चेंज हो गई बाबा, येलो कार ब्लैक हो चुकी है ओ भाई ये सारे बंदे कहाँ जा रहे हैं कैंपिंग के लिए भाई, पता नहीं कौन सा क्या 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 भूत चढ़ रहे हैं यार ये, तो ऐसे लोगों के साथ आपने ट्रिप पे नहीं जाना है। और यहाँ पे लेपर्ड भी है लेकिन दिखे कभी किसी को नहीं है भाई, यहाँ पे कैंपिंग होती रहती है क्रेट, हर थोड़े दिन में ये लोग जाते रहते हैं ना, जो हमारे साथ चल रहे हैं ये ट्रेंड बंदे हैं बेसिकली। कौन, अभिनव भाई ने करी है, बाकी किसी ने नहीं करी, हाँ तो अभिनव भाई ने की है ना, और अभिनव भाई ने किया भाई, देखो कोई वो प्रो लेवल नहीं है कि हर दूसरे दिन उठ जाए वो चले आते, बट हाँ पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा उन्हीं को पता है ना उनको, चलो एक तो सेवियर है भाई, यहाँ लेपर्ड वेपर्ड बता रहे हो, रात को रुकवाने की बात कर रहे हो आप, ये योगेश जी कौन है,
योगेश शर्मा कोटा। शर्मा जी है भाई, अच्छा लग रहा है लिखा हुआ। शर्मा जी की शादी भाई, शर्मा जी की शादी, शर्मा जी की शादी आने मेरे ख्याल से अगर ये व्लॉग जब आ रहा होगा तब आ चुका होगा अपना सेकंड एपिसोड। तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, जाके जरूर देखना जिस जिसने नहीं देखा है। तो 8-10 गाड़ी भाई पकड़ भी रखा है यार। ये पकड़ के चला रहे हैं भाई। ओ भाई भाई आगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं ना हमें खाने के लिए। अच्छा वो हम रेडी टू कुक लेके जा रहे हैं क्या? आज से हम रेडी टू कुक खाने वाले हैं। ग्रीनरी हम दिल्ली एनसीआर में इतना एंजॉय नहीं कर पाते भाई। दिल्ली एनसीआर में ये ग्रीनरी है ही नहीं, बची ही नहीं इतनी। तो फिर भी मैं बोलूंगा है भाई, एक एक अरावली वाली रेंज देखो है ना, अरावली वाली रेंज में, बट इतनी नहीं है यार। देखो अगर ऐसे बोलोगे ऐसे तो मेरे घर के पास भी बोंटा है। चलो अब ऐसे वाली बात हो रही है तो फिर हमारे यहाँ पे घाटा है। हमारे यहाँ पे घाटा है, घाटा में भाई ऐसी पहाड़ी है, पहाड़ी भी है एंड साइड बाय साइड ग्वाल पहाड़ी। एक से ज्यादा गाड़ी में ट्रेवल कर रहा होता क्योंकि अपनी गाड़ी पे लगा के तो कोई फायदा नहीं। आप बीच में अगर कोई सब्सक्राइबर मिल जाए तो उनकी गाड़ी पे लगा के ऐसे शॉट ले सकते हैं। चुपचाप ऐसे गाड़ियों में आओ। ओ इसमें तो बैठे हैं। चुपचाप ऐसे गाड़ियों में आओ जो रेखो जी ऐसे आओ इसमें से निकल। भाई भूख लगने लग गई यार। कितना सीनिक वाटरफॉल। देखो मोस्टली अपने साथ के भाई मतलब विकास भाई आ रखे हैं यहाँ, बट हम पहली बार आए हैं तो हम अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएंगे यहाँ। देखो यहाँ मैं मिस कर रहा हूँ अपनी गाड़ी को, मेरी गाड़ी भी यहीं खड़ी होती और ऐसे दिख रहा होता, हो सकता है यहाँ भी खड़ी कर देता मैं। खराब नहीं करेंगे इसको, मतलब कैमरे में बिल्कुल वॉलपेपर लग रहा है। तुम तो आते रहते होगे ना यहाँ पे, बस एक ही भाई आता है क्या? कैंपिंग नहीं कहते हैं यहाँ। अभिनव भाई आते हैं, ऑफरोडिंग करके जाते हैं। अच्छा अभिनव भाई कैंपिंग करते हैं? अभिनव भाई साल में एक बार कैंपिंग, एक बार। मेरे को भाई भाई मैंने नहीं बोला था, मेरे को बता रहे हैं कि भाई ये फैजान भाई ने बोला था और मैंने तुम्हारे को सीधा बोला, मैंने कहा भाई ये कभी कभी कैंपिंग करते हैं, वो नहीं कर रहे। मेरे को लगता है ऐसे वाली कैंपिंग तो कोई करता ही नहीं होगा। सारे नूब आ गए हैं भाई यहाँ, सारे नूब आ गए। जो अपने गद्दे नहीं आए, गद्दे नहीं लेके आए ना, वो गाड़ी में सोने वाले हैं। गद्दे तो लाए नहीं, देखो भाई हमने तो टेंट ही आज खरीदा है। लो ये लो भाई, मेरे लिए लेके आया ना, हम तो सो जाएंगे। सुनो चार गद्दे आए हैं उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो हम तो सो जाएंगे गाइस। अब मेरे को बाकी नहीं पता, कलरफुल ऐसी ये लेने लगे। एक घंटा भी है ये देखो, फ्लड हुई एक बार भी भाई। एक ये जी वैगन, एक ये जी वैगन। ये तुमने अगर लॉक डाला तुम्हारे को इतनी हेट मिलने वाली भाई है। देखो बुलेरो चलाने वाले बंदे सुनो यार, वो भी यही बोलेंगे ठीक है। और मेरे पास तो थी भाई, मैं तो यही बोलूंगा, चाहे मैं ब्लॉग डालू चाहे ना डालू, जी वैगन वाले बंदे भाई सोचते रहो, हम तो बुलेरो वाले हैं ठीक है। हम तो ये इस तरीके से ही हमने गेट बंद करे जिस तरीके से ये होते हैं। देसी गाड़ी को कंपेयर कर रहा हूँ एक और देसी गाड़ी से। गाइस हम हिमाचल में नहीं है, हम गुजरात में गुजरात में कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में।
तो भाई हम पहुंच चुके हैं गुजरात के हाईएस्ट पीक, माउंटेन पीक पे, डॉन हिल। नाम ही डॉन हिल है भाई। भाई तुम्हें पता है ना भाई यहाँ का सारा जी सर नेटवर्क आएंगे बता दो। BSNL एयरटेल का पता नहीं। प्रभु परमात्मा मैं क्या करूं भाई, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया डाउन। और सही किया मैंने, एक उड़ी हमने रख ली थी। माइनस जाएगा, माइनस क्यों जाएगा, माइनस नहीं जाएगा। हाँ नॉर्मल रहेगा। हाँ। ऐसे धुंध, ये धुंध है, ये धुंध है भाई, सारी तरफ कोहरा ही कोहरा, कुछ नहीं दिख रहा। विंटर के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 12 आ जाता है, इस पर तो दिखता ही नहीं है। इसके लिए तो क्या ही रास्ता है वैसे। ठीक है, सब कुछ वाइट हो रखा है। यहाँ लगा ली हमने गाड़ी अपनी। और ये है भाई कैंपिंग स्पॉट, यहाँ पे लगाएंगे अपना कैंप। दूर दूर तक कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। ग्रेट डिसीजन आके यार ये वाला, मतलब मैं ही नहीं कहता। देखो जब इतने सारे बंदे तो आप कैंपिंग कर सकते हो आराम से, मेरे ख्याल से आपको उतना ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होगी, ठीक है। बट अकेले आके मत करना, थोड़ा सा मतलब है भाई, थोड़ा सा तो है खतरनाक सा। कुछ नहीं है भाई, नीचे ऊपर चढ़ते हुए कुछ नहीं मिला। ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं आपको गाड़ियाँ गैंग दिखा दूँ। 1, 2, 3, 4, 5 भाई देखो, और कुछ नहीं तो रेनकोट जो ले लिया ना वहाँ। चैलेंज ले लिया है मतलब मैंने, पर देखो वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट वाली चीज़ है मेरे लिए। मैं रोज़ रोज़ कैंपिंग नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कर लेते तसल्ली से। तो एक बार टेंट लगवाते हैं यहाँ लगा, अरे स्लो क्लियर हो जा भाई। हाँ तो टेंट लगाते हैं यहाँ, आप इधर देखो एक छोटा सा टाइम लैप्स। क्या बंदा जो काम की चीज रखता है। तो भाई टेंट अपना लग चुका है, इतना कोहरा हो रहा है कि इतनी दूर से कुछ नहीं दिख रहा था, पास से तो मैं टेंट दिखा देता हूँ। फाइनली लग चुका है, 8:25 हो रहे हैं। ये अपना जनरेटर रहा, और यहाँ अंदर होने लग रहा है काम। ताकि लाइट अच्छी हो, लगा लिया ना भाई। अगर ये बंद करके इधर स्पाइरल कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं चाहिए, वो भी चलेगा। हाँ चलेगा भाई, इसको ऊपर रख दो ना। पी भाई ये है कैंपिंग लोकेशन अपनी, और ये अपन ने अभी लाइट जो खरीदी थी बाहर की तरफ यहाँ लगा दी है। ये हमारा ड्राइंग रूम है, वो अंदर वाला बेडरूम है, और ये बेडरूम के लिए बेड रेडी हो रहे हैं। कंबल भी लेके आना चाहिए था मैं भाई। पंप कहाँ है, पंप लो भाई। फाइनली अपना बेडरूम पूरा रेडी हो गया। दो कंपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे इसकी, एक तो इस साइड रहेंगे और एक रहेंगे इस साइड। और अपना बैग रख दूँगा तो थोड़ा सा ना इंक्लाइन हो जाएगा अपना भाई। ये ना एक एक्सपीरियंस, देखो
आई डोंट नो बट एक एक्सपीरियंस अगर वैसे इन जनरल देखा जाए तो एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है और मजेदार है। लो भाई वैसे तो हमने खाना खा लिया है दो बार, पहली बार चावल और राजमा बने थे जो हम रेडीमेड लेके आए थे, दूसरी बार मैगी बनी थी, अब तीसरी बार बन रहा है। टाइम हो रहा है 10:30 और ये अपना कैंप है भाई। भाई कैंप लगाने में जो हालत खराब हुई है ना, ओपन करके जोर से हेट रहा है मैक्स, ऐसी चीज लेके आया हूं कुछ यूज नहीं आ रहा है। क्या बन रहा है भाई, क्या बन रहा है, पुलाव घोटाला बना रहे शायद, चावल वाला घोटाला बना रहे ना, वेज बिरयानी और वेज खिचड़ी, वेज पुलाव वेज बिरयानी वेज खिचड़ी, ये वेज घोटाला बना रहे। ये कौन सी एक बार बोन फायर कैसे करना है, बोन फायर अरे नहीं यार अच्छे से करो यार प्लीज, उठाओ तो सौरभ भाई को उठाओ, एक बार बोन फायर कैसे करना है, ऐसे करना है भाई। ये अपना क्या लगा हुआ है देखो, ओह माय गॉड क्या लगा हुआ है भाई, देखने तो आज रात को कोई सोएगा नहीं, ठंड होगी, भाई सारे सो गए, तुम भी सो जाओ, एंड कर देता हूँ, सुबह मिलता हूँ।